आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूं। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आप मुझे सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरी नई नज़मों या गज़लों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए सुनते हैं रसोई की रानी। कुकर की सीटी की आवाज ने दौड़ाया रसोई की तरफ। कुकर की सीटी की आवाज ने दौड़ाया रसोई की तरफ। मसालों की खुशबू ने याद दिलाया मेनू की तरफ। मसालों की खुशबू ने याद दिलाया मेनू की तरफ। राजमा चावल बनाऊं या सादी दाल सब्जी से मनाऊं? राजमा चावल बनाऊं या सादी दाल सब्जी से मनाऊं? पर बच्चों को तो सादी दाल सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। पर बच्चों को तो सादी दाल सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं। और पति देव को राजमा चावल से दुश्मनी है बड़ी। अब कैसे इस गंभीर मसले को हल कर जाऊं? अब कैसे इस गंभीर मसले को हल कर जाऊं? आए दिन की बात है, राजमा और सब्जी में रोज छिड़ती पानीपत की लड़ाई है। आए दिन की बात है, राजमा और सब्जी में रोज छिड़ती पानीपत की लड़ाई है। आपकी पसंद है क्या? पूछा किसी ने। आपकी पसंद है क्या? पूछा किसी ने। जो सबको पसंद हो, मेरी पसंद बस वहीं तक है। जो सबको पसंद हो, मेरी पसंद बस वहीं तक है। और अगर घर में इत्तफाकन मैं अकेली रह जाऊं, और अगर घर में इत्तफाकन मैं अकेली रह जाऊं, तो हकीकत में दो ब्रेड खाकर ही सो जाओ। तो हकीकत में दो ब्रेड खाकर ही सो जाओ। बस रोज मसालों और दालों से बातचीत करती हूँ, सारा प्यार और गुस्सा बर्तनों में निकालती हूँ। बस रोज मसालों और दालों से बातचीत करती हूँ, सारा प्यार और गुस्सा बर्तनों में निकालती हूँ। कल ही कढ़ाई ने बोला ठीक है, आज अनबन हुई है। कल ही कढ़ाई ने बोला ठीक है, आज अनबन हुई है, कोई बात नहीं, दो बार जोरों से मुझ पर करछली चलाना। कोई बात नहीं, दो बार जोर से मुझ पर करछली चलाना, या ग्लास और कटोरियों को आपस में बजाना। संभलते संभालते भी जानबूझकर कुछ बर्तनों को गिराना। देखना तुम्हारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो जाएगा। देखना तुम्हारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो जाएगा। बर्तनों की चमक के साथ चेहरा भी चमक जाएगा। बर्तनों की चमक के साथ चेहरा भी चमक जाएगा। हाँ तुम रानी हो रसोई की। हाँ तुम रानी हो रसोई की, पेट से दिल का रास्ता जाता है। हाँ तुम रानी हो रसोई की, और पेट से दिल का रास्ता जाता है। तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए दो मीठे बोल क्यों नहीं कोई बोल पाता है? दो मीठे बोल क्यों नहीं कोई बोल पाता है? तभी हल्दी ने बोला मिर्ची तुम थोड़ा संभल नहीं सकती। तभी हल्दी ने बोला मिर्ची तुम थोड़ा संभल नहीं सकती। हमारी रानी को बेवजह परेशान क्यों करती हो? हमारी रानी को बेवजह परेशान क्यों करती हो? देखो मैं थोड़ा ज्यादा डल जाऊं तो सब्जी ज्यादा पीली होगी। देखो मैं थोड़ा ज्यादा डल जाऊं तो सब्जी ज्यादा पीली होगी। तुम्हारे तेवर से तो घर वालों की आंखें लाल पीली होंगी। और नमक
तुम भी ना बस संभल ही नहीं पाते हो, और नमक तुम भी ना बस संभल ही नहीं पाते हो। कभी फीका तो कभी तीखा बनकर बातें सुनवाते हो, कभी फीका तो कभी तीखा बनकर बातें सुनवाते हो। अगर हम सब थोड़ा संभल कर रह जाएं, तो देखो हमारी रानी की मुस्कुराहट बनी रह जाए। अगर हम सब थोड़ा संभल कर रह जाएं, तो देखो हमारी रानी की मुस्कुराहट बनी रह जाए। रसोई उसकी चूड़ियों के खनखन से जगती है, उसके हंसने से बेजान चीजों में जान आती है। रसोई उसकी चूड़ियों के खनखन से जगती है, उसके हंसने से बेजान चीजों में जान आती है। कभी रसोई तो कभी वो आसमान में प्लेन उड़ाती है, कभी रसोई तो कभी वो आसमान में प्लेन उड़ाती है। 10 भुजाओं वाली बनकर सारे काम मिनटों में वो निपटाती है। 10 भुजाओं वाली बनकर सारे काम मिनटों में वो निपटाती है। उम्मीद करती हूँ आपको रसोई की रानी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया और खास लेकर। तब तक के लिए अलविदा।